ओम वंदे गुरु मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं ग्रह दोष कैसे और क्यों लगते हैं। मित्रों, जब किसी के घर में, ये किसी भी धर्म में होते हैं लोग, मैं ये नहीं कहती कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम भी होता है, क्रिश्चियन भी होते हैं, हर घर में ये चीजें होती हैं और हर धर्म में ये चीजें होती हैं और हर धर्म वाले ये लोग काम ये करते हैं। मित्रों, जब घर में कुछ ऐसा हमें लगता है कि घर में कुछ नकारात्मक हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, किसी भी पादरी, मौलवी या पंडित जी को या ज्योतिष शास्त्र या वास्तुविज्ञ को बुलाते हैं और उनको अपने घर को दिखाते हैं कि हमारे घर में क्या समस्या है, क्या कमी, हमें ज़रा बताइए। वो कमियां बताते हैं और उस अनुसार घर में तोड़फोड़ और ना जाने क्या क्या घर में हो जाता है और घर में सब चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर कर दी जाती हैं, लेकिन समाधान फिर भी नहीं मिलता। कहीं कुछ चिपका भी दिया जाता है, कुछ लगा दिया जाता है, कुछ फोटो आदि टांग दिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। मित्रों, ये समाधान ना मिलने का कारण क्या है? और यदि वो चीज़ें हो जाती, उनसे आप बच जाते, तो आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप आपका घर सही रहता। जो दोष लगते हैं वो क्या क्या हैं, हम जरा उन पे बात कर लें। कुछ दोष मुझे मेरे सामने आए हैं जो मैंने देखे हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आज लोग देर तक सोते हैं। अक्सर सूर्योदय के होने के बाद लोग उठते हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे पेट साफ नहीं होता और ना जाने नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस मैंने दिए हैं, पेट क्या क्या करा है मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें पेट के रोग कैसे होते हैं वो सब हमने विस्तार से बताया, उसका समाधान भी हमने दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं। तो आप जब ये देर से आप उठते हैं तो उससे आपका पेट सही नहीं रहता, जिसकी वजह से आलस बढ़ता, आलस बढ़ने की वजह से काम करने की इच्छा नहीं होती और काम करने की इच्छा नहीं होगी तो लाभ अपने आप, लाभांश कम होता चला जाता है। दोष लग गया। उसके बाद दूसरी बात हम कहें तो घर में जो भोजन बनाया जाता है, अक्सर हम देखते हैं घर की स्त्रियां शुद्धि के बिना, अर्थात स्नान आदि किए बिना ही घर में भोजन पका लेती हैं। और जो भोजन पकता है, कई बार रसोईया घर में भोजन बनाना आता है, कोई भी आता है, स्त्री या पुरुष कोई भी आता है, वो भोजन बना के जाते हैं। कई बार हमने देखा, कई घरों में देखा है मित्रों, कि जो भोजन बना के महिलाएँ या पुरुष जाते हैं वो घर के भोजन का स्वाद तक नहीं ले पाते हैं। मित्रों, एक बार ध्यान रखें, खासकर मेरी बहनें इस बात पर ध्यान दें, उनको समझ में आ जाएगा। आप जब अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं तो आपको भी कभी लगता है कि इसको स्वाद, इसका स्वाद लेना चाहिए। और यदि घर से भोजन बनाने वाली या बनाने वाला असंतुष्ट होकर चला जाए तो सोचिए उसका प्रभाव उस भोजन पर कैसा पड़ेगा। और यदि उसका प्रभाव भोजन पर नकारात्मक पड़ा है, और पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो भोजन आपको पोषण नहीं देगा, कदापि नहीं देगा। तो इसका ध्यान रखें, कभी भी असंतुष्ट भोजन बनाने वाले को ना रखें। यदि असंतुष्ट है तो भोजन में कभी भी स्वाद या स्वास्थ्य नहीं आएगा, स्वाद तो शायद आ भी जाए। मित्रों, हमने कई बार देखा, एक ही तरीके के मसाले, एक ही तरीके से भोजन बनाया, हाथ अलग अलग, और स्वाद बदल जाता है, क्योंकि भावनाएं भोजन पर काम करती हैं और जैसी भावनाओं से भोजन बनेगा वैसा असर भोजन पर आएगा। मित्रों, उसके बाद घर में जो दिन भर टीवी, सीरियल, समाचार और ना जाने क्या क्या चलता रहता है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मित्रों, जब घर में वो दो चार विवाह वाले, कलह करने वाले सीरियल घर में चल रहे हैं, बहुत तड़कते बिलकते जिस घर में सीरियल चल रहे हैं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का भरना स्वाभाविक है। समाचारों में क्या आता है, हर जगह लूट और बलात्कार के ही किस्से तो चलते हैं। जब ये सारी चीज़ें घर में चलेंगी तो उसका प्रभाव नकारात्मक ही होगा, इसमें कुछ भी सकारात्मकता नहीं मिलेगी घर को या ना घर के सदस्यों को। उसके अलावा हर घर में आध्यात्म का अभाव होता है। लोग कहते हैं हम सुबह एक घंटा दो घंटा पूजा करते हैं, आप उस समय को गिनते हैं, पर क्या कभी टीवी देखने के समय को गिना है? कभी उल्टी सोच के, नकारात्मक सोच के, लोगों की बुराई करने के समय को गिना है? नहीं गिना। और जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं, जो इबादत या जो भी आप प्रार्थना आदि करते हैं, प्रेयर जो करते हैं, उस समय भी आपके मन में क्या चल रहा होता है? वाकई आपका ध्यान उस पूजा में, उस इबादत में, उस प्रेयर में होता है? अधिकांश लोगों का नहीं होता, मस्तिष्क में कुछ और चल रहा है, पूजा कहीं और चल रही है। माला तो करने फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मित्रों, इसका अर्थ है कि माला तो हाथ में घूमती है और मुंह, जीभ मुंह में घूमती है, मन दसों दिशाओं में घूमता है,
ये आप कैसा सुमिरन कर रहे हैं, ये कैसा आप ईश्वर को याद कर रहे हैं। यदि आप इस तरह ईश्वर को याद करते हैं तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ये तो अर्थहीन है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, आप इसको जो भी शब्द दे दें। हाँ, लोग, क्योंकि लोग पूछते हैं हमें कितनी देर ध्यान करना होगा, हमें कितनी देर प्राणायाम करना होगा, अच्छी चीजें करने के लिए लोग पूछते हैं कि हमें कितनी देर करना होगा, लेकिन बुराइयां करने के लिए कोई पूछता है कि हमें कितनी बुराइयां करनी होंगी? कभी नहीं। लोग चुगलियां, निंदा चुगली पूरा दिन करते रहते हैं, कोई मिल गया आ गया, अरे बाप रे, निंदा चुगली का तो कोई अंत ही नहीं होता। कहीं टीवी चल रहा है, निंदा चुगली हो रही है, तो उस घर का वातावरण कैसा बनेगा? महीने में कभी, हफ्ते में एक आध बार कोई भजन करवा लेता है, और भजन भी कैसे होते हैं, फिल्मी गानों पर भजन बनते हैं, फिल्मी गानों पर प्रार्थनाएं होती हैं, तो उनका असर क्या होगा? कि भले वो भजन या प्रार्थना या प्रेयर के नाम से, इबादत के नाम से आपके घर में चल रहा है, लेकिन साथ में वो गाना आपके मस्तिष्क में कहीं गूंजता है जो फिल्म में गाया गया है। इस प्रार्थना, इस भजन का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, क्या सार्थक इसमें से निकलेगा? तो ये किसी काम के नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। आप भी इसको अपने अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का जो स्रोत है, मांसाहार। मित्रों, हम सामान्यतः देखते हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसको या तो ले जाकर गाड़ देता है कहीं शमशान या कब्रिस्तान में, या शमशान में तो जलाया जाता है, कब्रिस्तान या जहां भी आप जो भूमि होती है वहां जाके गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं उनके घर में बाकायदा मुर्दा लाया जाता है और उसको रसोई घर में काट के पकाया जाता है। मित्रों, जो मुर्दा आपके घर में आया है, क्योंकि मेरे घर में कभी नहीं आता, मैं कभी नहीं लाई, जो मुर्दा आपके घर में आया उसका जीव था, वो आत्मा थी, वो तड़पी है, वो मरी है मात्र आपके स्वाद के लिए, तो उसका असर, उसका प्रभाव घर के वातावरण पर अवश्य होगा। मित्रों, मैं बहुत से मांसाहारियों को पूछती हूँ, क्या आप रात को शमशान में जाएंगे या कब्रिस्तान में जाएंगे? कोई तैयार नहीं होता, डर लगता है, लेकिन आपके घर में तो जीव मर के कट के आए हैं, फिर आपको क्यों डर लगता है? आपके पेट में शमशान है, कब्रिस्तान आपके घर में है, क्यों डर लग रहा है? तो जहां शमशान कब्रिस्तान है वहां डर लगता है, तो आपके घर में भी वो है, आपके पेट में भी, आपकी देह में भी वो है, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का आना स्वाभाविक है, ये उसका मुख्य स्रोत होता है नकारात्मक ऊर्जा का। उसके बाद आती है अनुशासनहीनता। मित्रों, हम देखते हैं कि घर में अक्सर लोग सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। क्या आपने अपने बड़ों की सुनी? और उन बड़ों से भी पूछे, क्या उन्होंने अपने बड़ों की सुनी? यदि अनुशासनहीनता परंपरा से चली आ रही है तो उस घर में कलह होना, उस घर का वातावरण दूषित होना स्वाभाविक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जिस घर में बड़ों के अनुशासन में बच्चे चलते हैं, हर पीढ़ी चलती है, उस घर में कभी भी गृह दोष या कलह नहीं लगता। हाँ, कुछ गड़बड़ियां होती हैं, पर घर के लोग आपस में निपट लेते हैं। जिस घर में मैं काम क्यों करूं, वो क्यों ना करे, ये सोच बनती है, उस घर में कलह का वातावरण बनना ही है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा आनी ही है, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हमने एक जो बड़ा काम रखा है, हम जब कोई प्रार्थना आदि, कुछ पूजा आदि करना चाहते हैं या घर में कुछ गृह शांति आदि करवाना चाहते हैं, तो हम किसी पादरी, मौलवी, मुल्ला या किसी इस मौलवी या किसी पंडित आदि को बुला लेते हैं और घर में उनको, उनसे कुछ उच्चारण करवा लेते हैं और कहते हैं, भाई हमने तो घर में करवा लिया, हमने तो शुद्धि शांति करवा ली। ऐसी शांति नहीं होती है। मित्रों, एक बात ध्यान दें, जिस रास्ते पर आपको, जिस गंतव्य तक आपको, जिस गंतव्य यानी मंजिल तक आपको पहुंचना है, चल के आपको स्वयं जाना होगा। रास्ता आप 50 लोगों से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चलना आपको स्वयं होगा। यदि आप स्वयं उस रास्ते पर चलकर नहीं जाते हैं तो आप कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, ये विश्वास रखिए। क्योंकि कोई यदि कुछ आपके घर में करने आया है, करके जा रहा है, तो उसका प्रभाव, हाँ आप शामिल हैं, बराबर है, लेकिन उच्चारण आपको भी साथ में करना होगा, उच्चारण आपको भी सीखना होगा। यदि आपको उच्चारण नहीं आता है तो, और उच्चारण अर्थात शब्दों के साथ, अर्थों के साथ आपको उच्चारण करना होगा, यदि आप वो नहीं कर पाते हैं
तो आपके गृह में दोष लगा रहेगा, घर में दोष लगा रहेगा, कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि रास्ता आपको तय करना है, क्योंकि गंतव्य तक आपको पहुंचना है। आज हमने बात की गृह दोष कैसे लगते हैं, गृह दोष के निवारण के लिए हम पुनः बात करेंगे, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे, फिर कभी करेंगे। पर अभी आप यदि आपको मेरे कारण सटीक लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो प्रयास करिएगा कि कारण अपने घर से दूर कर सके, और इनमें शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो वीडियो विवरण के वीडियोस देखिए, वहां हमने आपको शक्ति सामर्थ्य भरपूर मिले इसके लिए वीडियोस दिए हुए हैं। आप स्वस्थ रहें, कैंसर से बाल झड़ने तक के रोगों का समाधान हमने वीडियो विवरण में दिया हुआ है, तो आप उनको देखें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। हर रोग का समाधान है इस वीडियो विवरण के वीडियोस, वो मैंने हर वीडियोस में दे रखे हैं, आप हर वीडियोस में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों को बताइए, और जो समस्याएं हैं, जो मेरे लिए सुझाव हैं, वो सब टिप्पणी के रूप में आप अवश्य लिखिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।